हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम सूटकेस बनाएंगे, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। देखिए गाइस, इसके लिए मैंने एक फैब्रिक का स्क्वायर कटिंग लिया है। टाइटनेस के लिए मैंने राइस बैग का कटिंग लिया है और मेन बॉडी का फैब्रिक लेके चारों तरफ से आपको सिलाई लगा के क्विल्टिंग पैटर्न बनाना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो आपको कट करना है। साइड वॉल के लिए मैंने एक रेक्टेंगल पीस लिया है, सेम वैसे ही लेना है जैसे कि हमने बेस बनाया है। टाइटनेस के लिए राइस बैग का कटिंग लेना है और मेन बॉडी का फैब्रिक लेके आपको चारों तरफ से सिलाई लगानी है और क्विल्टिंग पैटर्न बनाना है। इसका साइज मैंने आपको स्क्रीन पे दिया है, वो आप देख सकते हैं। सिलाई होने के बाद इस तरीके से फोल्ड करके आपको पाइपिंग करनी है, आपको एक ही साइड में पाइपिंग करनी है। देखिए गाइस, यहाँ पे मैंने तीन पट्टियाँ बनाई हैं। दो पट्टियाँ जो है वो उसका लेंथ थोड़ा कम है और एक जो पट्टी है उसका लेंथ ज़्यादा है, और ये जो पट्टियाँ हैं उसका लेंथ जो हमने स्क्वायर कटिंग लिया है उसका सेम लेंथ आएगा। और इसको इस तरीके से आपको रख के ज्वाइन करना है तीनों पट्टियों को, जैसे कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। देखिए गाइस, फ्लैप के लिए हमने और एक फैब्रिक का कटिंग बनाया है। इसका लेंथ आपको जो बेस है उसका लेंथ प्लस साइड वाला पट्टी है उसका लेंथ और थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेके आपको ये कटिंग बनाना है, और इसको इस तरीके से रख के आपको ज्वाइन करना है। देखिए, जैसे कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ, जहाँ पर हमने एक पट्टी ज्वाइन नहीं किया है वहाँ पर हमें ये अटैच करना है। अभी हमें 5 सेंटीमीटर का एक पट्टी लेके सारे रफ एजेस को अंदर से पाइपिंग करनी है। अभी हमें एक वेलक्रो लेना है और एक वेलक्रो का कटिंग हमें फ्लैप के ऊपर लगाना है और एक वेलक्रो का कटिंग हमें साइड वाले पट्टी पे लगाना है। ऐसे हमने 6 वेलक्रो लगाए हैं। देखिए गैस, यहाँ पे हमारा ऑर्गेनाइज़र है वो रेडी हो गया है, सूटकेस भी बोल सकते हैं आप। देखिए, अंदर की साइड में पूरा पाइपिंग करके रेडी हो गया है। हमने 4 साइड में वेलक्रो लगाए हैं और 2 फ्लैप के ऊपर लगाए। देखिए, जिस तरीके से ओपन और क्लोज करने के लिए हमने फ्लैप बनाए हैं। देखिए गैस, इसके अंदर हम चादर, बेडशीट, पिलो कवर्स ये सब हम ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। देखिए, बहुत ही बढ़िया तरीके से बनाया है हमने और इसके अंदर बहुत सारा स्पेस भी है। देखिए, इसको ओपन और क्लोज करने के लिए हमने वेलक्रो लगाया है। देखिए, ऐसे हम अगर ऑर्गेनाइज करके घर में रखेंगे तो ये ख़राब भी नहीं होंगे और अच्छे से रहेंगे। ये आप सूटकेस आप अलमारी में भी रख सकते हैं, इसके अंदर आप साड़ियाँ भी रख सकते हैं। ऐसा ही सूटकेस आप मार्केट में ख़रीदने के लिए जाएंगे तो आपको 150-200 के नीचे तो मिलेगा ही नहीं है। तो इसे ही आपको पुराने कपड़ों से ये आप घर में ही बना सकते हैं। देखिएगा, इससे खर्चा भी बच जाएगा आपका। आई होप आपको आज का मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट्स करना, और ऐसे मज़ेदार वीडियोस के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।